हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद कांबले। इस वीडियो के अंदर अगेन हम लोग दो लेटर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पहला है कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स और दूसरा है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। नाउ कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स का मतलब क्या होता है? आपको पता है कि अलग अलग टाइप के डिबेंचर्स होते हैं, जिसमें एक टाइप होता है कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, जहाँ पे डिबेंचर होल्डर अपने डिबेंचर्स को कुछ टाइम पीरियड के बाद में इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करते हैं। उसका टाइम पीरियड फिक्स होता है, तो उनको एक ऑप्शन मिलता है कि वो लोग अपने डिबेंचर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी आप लोग पूछोगे कि यहाँ पे डिबेंचर होल्डर इक्विटी शेयर में अपने डिबेंचर को क्यों कन्वर्ट करते हैं? तो आपको पता है कि पहले तो सपोज हम लोग बहुत कॉशियस होते हैं, तो हम लोग डिबेंचर परचेस करते हैं और डिबेंचर के ऊपर हमको क्या होता है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, रिस्क बहुत कम होती है वहां पे। पर कुछ लोगों को फिर बाद में ऐसे लगता है कि ये कंपनी बहुत प्रॉफिटेबल है, कंपनी अच्छा ग्रो कर रही है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, सो वो लोग क्या करते हैं, अपने डिबेंचर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करने का सोचते हैं। क्योंकि आपको पता है कि इक्विटी शेयर जो होता है उसके ऊपर जो डिविडेंड पे किया जाता है वो कंपनी का जो प्रॉफिट होता है उसके हिसाब से बढ़ते जाते हैं। मतलब कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो उनको ज्यादा डिविडेंड मिलता है, डिबेंचर पे वैसा नहीं होता। डिबेंचर पे उनको फिक्स ही अमाउंट मिलेगा, उसका जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो प्रॉफिट के साथ बढ़ता नहीं है। तो वो लोग सोचते हैं कि मैं मेरे डिबेंचर को क्या करूं, इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करूं। तो उसके लिए वो लोग कंपनी को रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे मेरे डिबेंचर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करना है। सो सेक्रेटरी उनको लेटर लिख के इन्फॉर्म करती है, उनको सारा प्रोसीजर जो है वो समझाती है। नाउ देखो किस तरीके से लेटर यहाँ पे लिखा जा रहा है बाय द कंपनी। सबसे पहले तो टॉप में कंपनी का नाम, एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स होते हैं, उसके नीचे रेफरेंस नंबर और सामने डेट जिसको लेटर लिखा जा रहा है, उनका नाम और एड्रेस, मतलब जो डिबेंचर होल्डर है। सब्जेक्ट एकदम शॉर्ट एंड स्वीट, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर, दैट्स इट। और सैल्यूटेशन डियर सर, तो ये आपको सब लेटर में कॉमन ही लिखना है। उसके बाद में आपको लेटर लिखना शुरू करना है। और लेटर लिखते समय सबसे पहले पैराग्राफ में देखो क्या लिखा हुआ है कि मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ या चाहती हूँ कि जब कंपनी ने डिबेंचर इशू किए थे, कितने डिबेंचर इशू किए थे कंपनी ने, 1,00,000 डिबेंचर इशू किए थे। डिबेंचर का नाम भी देखो क्या था, 10% फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर, ये डिबेंचर का नाम था। और वो डिबेंचर जो अभी कन्वर्ट होने के लिए क्या हो चुके हैं, ड्यू हो चुके हैं। ड्यू मतलब क्या, उसका भी टाइम आ चुका है जहां पे आप लोग क्या कर सकते हैं, आपके डिबेंचर को कन्वर्ट कर सकते हैं। वही सेक्रेटरी ने यहाँ पे पहले लाइन में लिखा कि आई एम डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म यू दैट इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स डिसाइडेड, अकॉर्डेंस मतलब के हिसाब से और टर्म मतलब के रूल्स, कौन से रूल के हिसाब से, जो जब डिबेंचर इशू किए थे 1,00,000 डिबेंचर जिनका नाम 10% फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स था, ये डिबेंचर्स अभी कन्वर्ट होने के लिए ड्यू हो चुके, उसका टाइम आ चुका है। फिर बाद में सेक्रेटरी देखो सेकंड पैराग्राफ में क्या लिखती है कि जैसे मैंने आपको बोला था कोई भी डिसीजन जो होता है वो एक पर्टिकुलर मीटिंग के अंदर लिया जाता है, तो कौन से मीटिंग में ये जो डिस्कशन है वो हुआ था और क्या रिजोल्यूशन पास किया, वो सेक्रेटरी यहाँ पे अभी लिखेगी। तो सेक्रेटरी यहाँ पे लिखते हैं कि कंपनी के एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हुई थी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग क्या होता है, ये आपने लास्ट ईयर पढ़ा था कि कोई भी अर्जेंट मैटर होता है, कोई भी इंपॉर्टेंट मैटर होता है जिसको हम लोग एनुअल जनरल मीटिंग या AGM तक पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में अभी डिस्कस करना जरूरी होता है, तो उस केस में कंपनी क्या करती है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाती है शेयर होल्डर्स की। वही सेक्रेटरी ने यहाँ पे लिखा है कि कंपनी की एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हुई थी 25 मई 2020 को, और लेटर देखो कभी लिखा जा रहा है, उसके बाद में 5 जून 2020 को। तो सेक्रेटरी ने यहाँ पर रेफरेंस दिया कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हुई कंपनी की 25 मई 2020 को, जिसके अंदर एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया है। स्पेशल रिजोल्यूशन का मतलब आपको पता है कि जहाँ पे 75% लोग फेवर में होने चाहिए वो पर्टिकुलर प्रपोजल के, तो ऐसा स्पेशल रिजोल्यूशन यहाँ पे पास किया है जहाँ पे आपके डिबेंचर जो है वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होने के लिए अप्रूवल लिया गया है। मतलब वो जो शेयर होल्डर से उन्होंने उसके लिए अप्रूवल दिया हुआ है, और ये जो डिबेंचर से आपके कन्वर्ट कैसे होंगे, एक रेशो में, और रेशो मेंशन करना जरूरी है। जैसे हमने बोनस शेयर में भी देखा था कि यहाँ पे रेशो है 1:1, जिसका मतलब है आपके पास एक डिबेंचर होगा तो उसके अगेंस्ट आपको एक इक्विटी शेयर मिलेगा, तो वो भी लिखना यहाँ पे जरूरी है। फिर बाद में सेक्रेटरी ने यहाँ पे लिखा है कि आपने हमको लेटर ऑफ ऑप्शन दिया है, और लेटर ऑफ ऑप्शन जो मैंने पहले आपको बोला था कि डिबेंचर होल्डर कंपनी को रिक्वेस्ट करता है, रिक्वेस्ट किसके थ्रू करते हैं, लेटर ऑफ ऑप्शन के थ्रू, जहाँ पे डिबेंचर होल्डर को साइन करके कंपनी को सबमिट करना पड़ता है और लेटर के अंदर लिखना पड़ता है कि कितने डिबेंचर उनको कन्वर्ट करने। कभी कभी क्या होता है कि पार्टली डिबेंचर्स जो होते हैं वो कन्वर्ट करने के लिए डिबेंचर होल्डर रिक्वेस्ट करता है, कभी कभी पूरे के पूरे डिबेंचर कन्वर्ट करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है। तो सेक्रेटरी यहाँ पे लिखते हैं कि आपका जो लेटर ऑफ ऑप्शन है उसके हिसाब से
आपको 100 इक्विटी शेयर दिए जा रहे हैं 100 डिवेंचर्स के बदले में। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ यहाँ पे लिखा। वापस से बताता हूँ, सेक्रेटरी ने लिखा कि कंपनी की एक्स्ट्रॉर्डिनरी जनरल मीटिंग हुई 25 मई को, जिसके अंदर जो शेयर होल्डर्स थे उन्होंने आपके डिबेंचर जो है उसको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करने के लिए अप्रूवल दिया हुआ है, और उसका रेशियो है 1:1, जिसका मतलब एक डिबेंचर अगर आपके पास होगा तो उसके बदले में आपको एक इक्विटी शेयर मिलेगा, और आपके लेटर ऑफ ऑप्शन के हिसाब से आपके 100 डिबेंचर्स की जगह पे आपको 100 इक्विटी शेयर मिल रहे हैं। ऐसा सारा चीजें जो है सेक्रेटरी ने यहाँ पे सेकेंड पैराग्राफ में लिखा। फिर थर्ड पैराग्राफ में सेक्रेटरी ने क्या किया, एक टेबल बना के वही इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे अभी पुटअप किया कि कितने शेयर मिले हैं, वो शेयर के सारे डिटेल्स यहाँ पे दिए हैं, क्योंकि अभी डिबेंचर्स उनके कैंसिल हो जाएंगे, शेयर मिलेंगे तो शेयर के डिटेल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे पहले फोलियो नंबर क्या होगा, क्योंकि पहले वो डिबेंचर होल्डर था तो डिबेंचर होल्डर के रजिस्टर में उसका नाम जो कैंसिल होकर अभी इक्विटी शेयर के रजिस्टर में नाम आएगा, तो इक्विटी शेयर के रजिस्टर में उनका क्या नंबर है, सीरियल नंबर, उनके पास कितने डिबेंचर्स थे, उनको कितने इक्विटी शेयर मिले, ऑब्वियसली 100, क्योंकि यहाँ पे 1:1 का रेशियो है, तो 100 डिबेंचर को 100 इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किया। इक्विटी शेयर का नंबर क्या होगा, तो 1 से लेके 100, और इक्विटी शेयर सर्टिफिकेट क्या होगा, तो 1, 2, 3, 4। इस तरीके से आपने शेयर के सारे डिटेल वहां पे बताया। और फिर लास्ट पैराग्राफ में सेक्रेटरी ने लिखा है कि आपको जो ये नए इक्विटी शेयर दिए जा रहे हैं उसका सर्टिफिकेट ड्यूली साइन, ड्यूली साइन मतलब कि कंप्लीटली साइन, जिसके ऊपर सेक्रेटरी और डायरेक्टर की सिग्नेचर है, जो ये लेटर के साथ एनक्लोज किया हुआ, एनक्लोज मतलब के जोड़ा हुआ है, और आपका जो डिबेंचर सर्टिफिकेट था पहला वो अभी क्या हो जाएगा, नल एंड वॉइड हो जाएगा 25 मई से। सो 25 मई से आपका डिबेंचर सर्टिफिकेट कैंसिल होके अभी आपको शेयर सर्टिफिकेट जो है हम लोग ये लेटर के साथ भेज रहे हैं, तो ये लिखना भी जरूरी होगा। और फिर बाद में लास्ट में हमारी कॉमन लाइन, थैंकिंग यू, फिर योर्स फेथफुली, कंपनी का नाम, सिग्नेचर, जिन्होंने सिग्नेचर किया उनका नाम और उनका डेजिग्नेशन, और एनक्लोजर शेयर सर्टिफिकेट जो उनको भेज रहे, तो वो एनक्लोजर में लिखना जरूरी होता है। तो इस तरीके से ये लेटर लिखा जा रहा है सेक्रेटरी के द्वारा ये इन्फॉर्म करने के लिए कि आपके जो डिबेंचर है उसको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किया और उसका ये प्रोसीजर है करके। नाउ सेकेंड लेटर जो है वो अलग है, जहाँ पे जो डिबेंचर होल्डर है वो क्या कर रहे हैं, अपने डिबेंचर के पैसे वापस मिलने के लिए रिक्वेस्ट किया था कंपनी को, तो कंपनी उनके रिपेमेंट कर रही है, रिडम्पशन कर रही है, रिडम्पशन को ही रिपेमेंट बोला जाता है। तो अगेन ये चीजें सेम सब्जेक्ट में, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर और सैल्यूटेशन डियर सर। फिर बाद में यहाँ पे आप लोग लिखोगे कि कंपनी ने 1,00,000 डिबेंचर इशू किए थे, जिसका नाम था 10% नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, और ये कभी इशू किए थे मई 2014 में, और जिसका रिडम्पशन अभी ड्यू हो चुका है, ड्यू मतलब कि टाइम आ चुका है रिडम्पशन का, मतलब रीपेमेंट का, कौन से डेट को, 12 नवंबर 2020 को। तो सेक्रेटरी ने ये लिखा कि कंपनी ने 2014 में डिबेंचर इशू किए थे जो अभी नवंबर 2020 में क्या हो रहे, ड्यू हो रहे हैं। और फिर बाद में सेक्रेटरी अगेन मीटिंग का रेफरेंस देती है कि मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने आपको इन्फॉर्म करने के लिए बताया है कि कंपनी का बोर्ड मीटिंग हुआ था। कब हुआ था ये बोर्ड मीटिंग, 3rd अक्टूबर 2020 को, और उसके बाद में 10th अक्टूबर को सेक्रेटरी लेटर लिखे उनको इन्फॉर्म कर रही है। तो बोर्ड मीटिंग हुआ था कंपनी का 3rd अक्टूबर 2020 को, और जिसके अंदर ये डिसाइड किया है कि आपके जो डिबेंचर थे उनको रिडीम किया जाए, रिडीम मतलब कि आप उसका पेमेंट किया जाए आपको, और ये रीपेमेंट किसमें से किया जाएगा, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व फंड। इसके बारे में भी हम लोग ने पहले डिबेंचर के चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि कंपनी जब डिबेंचर इशू करती है तो हर साल थोड़ा थोड़ा पैसा जो होता है कंपनी डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व फंड के अंदर सेव करके रखती है, बिकॉज आपको पता है कि डिबेंचर होल्डर का पैसा जो होता है वो हम लोग को एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में वापस करना पड़ता है, तो उसके लिए कंपनी हर साल प्रॉफिट में से थोड़ा थोड़ा पैसा यहाँ पे रिजर्व करके रखती है, ताकि जब भी वो डिबेंचर्स ड्यू हो जाएंगे तो कंपनी उनके पैसे उनको वापस कर पाए। तो यही लिखा हुआ है कि कंपनी का बोर्ड मीटिंग हुआ था 3rd अक्टूबर 2020 को, जिसके हिसाब से आपके डिबेंचर जो है रिडीम किए जाएंगे डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व फंड में से। फिर सेक्रेटरी उनको देखो क्या बोल रही है कि ये लेटर के साथ हमने डिबेंचर रिडम्पशन फॉर्म अटैच किया हुआ है, क्योंकि वो फॉर्म जो है वो डिबेंचर होल्डर को अभी भरना पड़ेगा कि उनका नाम क्या है, कौन से नंबर के डिबेंचर्स उनके पास है वगैरह, वो सारे डिटेल जो फॉर्म के अंदर भरना पड़ेगा, तो वो यहाँ पे अटैच किया हुआ, ऐसा सेक्रेटरी बोलते हैं, और बोलते हैं कि जो ओरिजिनल आपका डिबेंचर सर्टिफिकेट है वो आप क्या करो, कंपनी को 3rd नवंबर 2020 तक वो फॉर्म फिलअप करके उसके साथ जो डिबेंचर सर्टिफिकेट अटैच करके कंपनी को भेजो।
जब आप ये फॉर्मेलिटी कंप्लीट करोगे, फॉर्मेलिटी मतलब ये फॉर्म भर के डिबेंचर सर्टिफिकेट के साथ अगर कंपनी को अगर भेजते हो, ये फॉर्मेलिटी कंप्लीट होने के बाद में कंपनी क्या करेगी, आपके बैंक अकाउंट में जो भी आपका रिडम्पशन का पैसा है वो क्रेडिट कर देगी। पैसा एकदम सिंपल लेटर लिखा हुआ है। वापस से मैं बताता हूँ कि पहले तो बताया कि कंपनी ने जो मई 2014 में डिबेंचर्स इशू किए थे वो अभी 12 नवंबर 2020 को रिडीम हो रहे हैं। आप लोग कोई भी ईयर लिख सकते हो। उस हिसाब से कंपनी का बोर्ड मीटिंग हुआ था 3 अक्टूबर 2020 को, जिसमें बोर्ड रिजोल्यूशन पास किया गया है और आपका जो रीपेमेंट है या रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर है वो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व फंड में से किया जाएगा। आपको हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिबेंचर रिडम्पशन फॉर्म भेज रहे हैं जिसको आप फिलअप करो और ओरिजिनल डिबेंचर सर्टिफिकेट के साथ कंपनी को 3 नवंबर 2020 तक भेज दो। और जब आप ये फॉर्मेलिटी कंप्लीट करोगे तो आपको आपके जो रिडम्पशन के पैसे बैंक अकाउंट में क्रेडिट किए जाएंगे। और उसके बाद में हमारा नॉर्मल थैंकिंग यू और ये योर्स फेथफुली वगैरह, और यहाँ पे एनक्लोजर में देखो लिखा हुआ है डिबेंचर रिडम्पशन फॉर्म, क्योंकि वो अटैच किया हुआ, वो बताना जरूरी है। तो इस तरीके से सेक्रेटरी ने क्या किया, लेटर लिख के उनको रिडम्पशन के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी। तो ऐसे लेटर्स लिखे जाते हैं जब कन्वर्जन किया जाता है डिबेंचर का इक्विटी शेयर में, या फिर डिबेंचर्स का पैसा वापस किया जाता है, रीपे किया जाता है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड आल्सो रिकमेंड माय चैनल टू योर फ्रेंड्स। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।